चल 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 कोई बात नहीं, कुकू बंदर बोली देख देख भौकी दिखाऊंगा, भौकी दिखाऊंगा भौकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज जो है वो मौसम जो परचेस्ट हो रहा है, बिन मौसम बरसात है। और अभी हम आए हैं छत पे, बाकी गई है ट्यूशन। पक्षी जा रहे खाने लेने, तो देख रहे पक्षी को, देख देख पक्षी को, बारिश पड़ने के बाद लिख रहे हैं अभी, अभी बारिश पड़ती रहे अभी, देख देख देख। आज अभी तो इतनी बूंद ना पड़ रही आज। अरे नहीं, इसका तो एक बूंद भी वो हो जाएगी। चलो तो आ जाओ, इनकी तुम तो घूम पायदान गिरा इसे लेके बैठे थे, मंटू लेके बैठी थी, इसे बैठाने का था नीचे, मैंने बैठे मगा कौन से डिब्बे कुछ दिन उतरे होंगे। चल 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 कोई बात नहीं, कुकू बंदर बंदर फैमिली पूरी फैमिली, देख 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 भौकी दिखाऊंगा, भौकी दिखाऊंगा भौकी। वो तो कहीं है भाई, एकदम कहाँ है प्रिया, देख देख उसके ऊपर कुछ चढ़ता गया। ये तो कराए हमारी वाली छत पर है, देख सहज में ऐसा नहीं ऊपर से नहीं कूदते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चाय बन रही है, तवा चढ़ा दिया है परांठे के लिए, छोटू का जो है वो पानी बॉईल हो गया है और यहाँ दिया है, तो इसके बनाएंगे हम परांठे। और यहाँ पे जो है, क्योंकि आज ये छुट्टी पर है, तो अभी दूध भी जो है वो बन चुका है एक बड़ा गिलास भर के, ठीक है जी। इसके साथ में मुश्किल से दो पराठे लेंगे तो लेंगे। बॉईल हो गई है और आज हम बना रहे हैं काली दाल, बिल्कुल मेरी मम्मी के स्टाइल में। मेरी मम्मी बनाती है ऐसे, दाल तो बॉईल हो गई है और इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक तीनों चीज़ें जो है वो कूट ली हैं, वो अभी मैं ऐसे के ऐसे ही दाल में डाल दूंगी और फिर बाद में जो है वो छौंक लगाऊंगी। इसमें मैंने इसको अभी रख लिया है क्योंकि इसी में मैं अभी प्याज और टमाटर भी वो करूंगी। सर कपड़े धुल रहे हैं, 26 मिनट अभी बाकी है, और इधर इनकी वाइट शर्ट और एक दो कपड़ा हो रहा है वो धुल रहा है, बाद में मैं इसमें से निकाल के ना उसी वाली मशीन में डाल देती हूँ। तो जी ये हमारी जो दाल है वो बनके तैयार हो गई है, इसमें मैंने जीरे और प्याज का तड़का लगाया है, टमाटर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है, और ये दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
ये हो गया है खाना तैयार, रोटी गर्मा गर्म प्याज। समझ में नहीं आ रहा इसकी वो क्या हो गया एकदम से, तो सब ठीक था। खोल ले को, खोल ले, खोल ले, खोल ले, मंदिर मंदिर भगवान जी। पता लग गया वीडियो बन रही। हाँ तो भैया आराम है यार, मैं कौन नहीं दे रहा भैया, चलिए भैया। हमारी जो है यहाँ पे पूजा पाठ होती है संपन्न, और देखिए मेरे ठाकुर जी राधा रानी दोनों कैसे लग रहे हैं, आज ग्रीन कपड़े पहने हैं। माता रानी भी यहाँ पे बैठी है, तो जी चलिए भी चलते हैं जल देने के लिए छोटू के कपड़े। ये है जो बचा हुआ दूध था वो गरम कर दिया है। यहाँ पे जो है गाय का दूध है जो अनाया के लिए पका रही हूँ, और ये हमारे लिए है जो भैंस का दूध है ये पका रही हूँ। दूध पकाने का भी अलग अलग झंझट, देखिए तीन बर्तनों में दूध हो रहा है। इसकी तो मैं दही जमाऊँगी, लाइट आते ही इस दूध की दही जमा दूँगी, क्योंकि अब तो मौसम आ गया है दही वगैरह खाने का ना, बच्चों को भी दे सकते हैं। पूरा किचन जो है वो बाकी मैंने साफ कर दिया। तो जी अभी वीडियो में आप लोगों से बात करने का टाइम है, और मुझे आप लोगों का एक सवाल का जवाब देना है। और ये कोई भी मैंने नेगेटिव उसमें नहीं दे रही हूँ, सबसे पहले बात बहुत अच्छे से मुझे भी ये लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए और आप लोगों को इस चीज़ का रिप्लाई करना चाहिए। सीधा सीधा बोलती हूँ, मुझे कमेंट आ रहा था कि आप इस चीज़ को छुपाती हो, आपका जो है अपनी देवरानी के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, वो ना कभी आपके घर आती हैं, आपके घर में कुछ भी होता है वो कभी भी नहीं आती हैं, क्यों नहीं आती हैं, तो आपका और उनका कुछ भी ठीक नहीं है, आप हमसे छुपाती हो इस चीज़ को। तो देखिए विश्वास दिलाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैसे दिला सकती हूँ मैं, है ना, और मैं मुझे दिलाना भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे दिलाना भी नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरे और रेखा के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। बस हर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है, रेखा का अपना नेचर है, मेरा अपना नेचर है। मुझे ये कमेंट इसलिए किया क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी गांव में, तो मैंने बोला था कि मैं रेखा से आपकी बात भी करवाऊँगी, मैंने मेरी वीडियो में बोला है, और मैंने जैसे नहीं करवाई जो भी था, तो फिर कि हमने आपकी वो वाली बात भी नोटिस की, आपने बोला था कि मैं अपनी देवरानी से बात करवाऊंगी, आपने नहीं करवाई। इसी से लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो चीज़ें ठीक नहीं है, और आप छुपाती हो, आप कवर करती हो। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस चीज़ को लेकर के ना किसी के दिमाग में भी कोई भी गलत फहमी हो ना, हो ना मेरी तरफ से और ना ही रेखा की तरफ से। तो वो चीज़ तो फिर मेरे ध्यान, मैंने अपनी वीडियो में बोल दी, पर मेरे वो ध्यान नहीं रही कि मैं आप लोगों की उससे बात करवाऊँ। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है कि
इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है कि मैं आपकी उससे बात करवा पाई तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, बट हमारा दोनों का कोई मनमुटाव नहीं है। हमारे रिश्ते जो है जैसे होते हैं एक देवरानी जेठानी के, ऐसे नहीं कि देवरानी जेठानी का रिश्ता सबका वैसा ही होता है, तो जी नहीं। मैं रेखा के बारे में अगर बोलूँ तो रेखा ने आज तक मुझे जो है मेरे से उसकी बातचीत भी बहुत कम हुई है अभी तक भी, क्योंकि वो बोलती कुछ कम है, थोड़ा बातचीत कम ही करती है सभी लोगों से, मुझसे नहीं सभी से ही। मम्मी तो उसके पास में रहती है, उनसे भी मतलब बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छे मिजाज की है, खुशी खुश खुश रहती है, बढ़िया रहती है, बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है। मतलब ये है कि वो कम बोलती है। अब मैं भी आपको पता है क्यों लगती हूँ ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती थी। अब तो फिर भी मैं बोलने लगी, पहले मैं भी बहुत कम बोलती थी। पर रेखा की ये बात है कि रेखा जो है वो सभी से कम बातचीत करती है, कम वो है, और कैमरे में लेना, उससे बातचीत करना, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे उसको कैमरे में लेना, उससे ज़बरदस्ती बुलवाना, ये सारी चीज़ें। बट मैं कोशिश करूँगी कि इस बार जब भी मैं उससे मिलूँ या वो मुझसे मिले, मैं आप लोगों की उससे बात करवाऊँ। दूसरी चीज़, एक और कमेंट मुझे आया था कि आप अपनी देवरानी से ज़्यादा जो है वो प्यार करती हैं, या फिर आप वो करती हैं, वो जो आपकी दूसरी देवरानी है, यानी कि जो मेरी बुआ जी के लड़के की वाइफ है नेहा, जो कई बार आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी है, और मेरे उसका चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है उसका, आप उससे ज़्यादा वो करते हो, तो जी नहीं। नेहा जो है उससे बातचीत ज़्यादा है उन्हें, क्योंकि उसका चैनल है, इसके वजह से आप लोग उसको ये चीज़ लगती है कि वो मतलब मैं उसकी ज़्यादा वो करती हूँ। फिर नेहा की बात ये आती है कि नेहा जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है। आप भी या कोई भी उससे एक बार में मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि हमने इसको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से हमारी इससे बातचीत है, ऐसी है नेहा। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेहा को ज़्यादा, वो नेहा खुद ही ऐसी है, वो जिससे भी मिलती है, एक बार मिली मेरे से तो जब वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी, जब अनाया हुई थी, मतलब उसके आते ही मुझे एक घंटे बाद ये लगने लगा था कि पता नहीं मैं कब से नेहा को जानती हूँ, नेहा मुझे कब से जानती है। तो नेहा का नेचर ऐसा है, इसमें ना कोई गलत होता है, ना सही होता है, ना ही कुछ, सबका अपना अपना नेचर होता है, और नेचर की वजह से ही जो है ये चीज़ें लगती हैं। हमारी जो रेखा है वो थोड़ी सी कम बोलती चालती है, कम वो करती है, तो ऐसा लगता है कि मेरा उससे वो नहीं हो पाता है, वो वीडियो में भी कमी दिखती है। नेहा जो है वो ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि वो बोलती चालती है अच्छे तरीके से, और बहुत ज़्यादा मतलब मिलनसार है नेहा, बहुत ही। आप उसका चैनल भी देख सकते हैं, आर्या ढाका व्लॉग्स करके उसका चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती है, बढ़िया। और अभी उसके चैनल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसका पिन जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो ऐसा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहिए, और किसी चीज़ में भी कोई भी वो नहीं है। अगर देखिए लगता है वो चीज़ मेरी भी कमी रही कि मैं वहाँ पे गई, मैंने आपसे बोला कि मैं उससे बात करवाऊँगी, फिर मैं नहीं कर पाई, तो ये चीज़ मतलब हुई है, बट ऐसा है नहीं। मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। फ़िलहाल के लिए तो ये इतना ही वीडियो था। और हाँ, मैंने जो है अपने अब मैं हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, मेरी वजह से या मेरे चैनल की वजह से आप मेरी देवरानी हो, चाहे मतलब मेरा फैमिली मेम्बर कोई भी हो, उसको कोई कुछ कहे ना तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो, मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि एक दो चीज़ें रेखा के बारे में लिखी गई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से, मेरे चैनल की वजह से उसको, देखो सबका ना अपना अपना स्वभाव होता है, आप किसी को भी कोई मतलब मेरे उसकी वजह से कोई बोलते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के बारे में। बाकी का जितना मुझे बोलना था कि ये ऐसा नहीं है, मेरी और उसकी उसका कोई मनमुटाव नहीं है। और हाँ, एक और कमेंट कि आपकी जो सबसे छोटे वाली देवरानी, जो मेरी नई हमारी नई देवरानी है, वो आई है या नहीं, आपने शादी से बाद में नहीं दिखाया, तो वो अपने घर गई हुई है,
और अभी तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ वो होता है, जो ये चैत का महीना चलता है, जब शादी होती है तो पूरा जो चैत का महीना होता है वो लड़की अपने मायके में ही रहती है। तो पूरा चैत का महीना वो अपने मायके में ही रहेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे भी एक आध दिन ही रहेगी, क्योंकि भैया भी और चाची जी भी ये सभी लोग जो है बाहर रहते हैं, तो वहीं पर रहेगी। फिर यहाँ तो एक दो दिन के लिए आ गई, या तीज त्यौहारों पर आएगी, क्योंकि जहाँ परिवार रहते हैं वहीं तो। ये तो शादी हुई थी तो सब लोग यहाँ पे थे। अभी जैसे शादी खत्म हुई, सारी चीजें हुई, तो फिर जो है वो वापस अपना काम पे चले गए थे, क्योंकि चाची जी भी जॉब करती हैं, और चाचा जी भी, और उनके जो लड़का, मतलब जो भैया है, वो भी, सभी लोग जॉब करते हैं। तो इसी वजह से वो जब आएंगी तो वो फिर तुरंत ही वहीं चली जाएगी, उसको तो दिखाने को, क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा। एक आध दिन के लिए आई तो आई, वरना तो नहीं भी, मतलब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा है, ठीक है जी। मुझे लगा आप लोगों से बात करते हैं, और चलिए करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को, और इस कमेंट पर मैंने ज़्यादा जोर दे करके बात क्यों की अपने और रेखा के बारे में लिख करके, क्योंकि वो कमेंट इतना थोड़ा सा था ऐसा, और मुझे लगता है कि वो कमेंट जो है वो किया तो किसी ने, जानने पहचानने वाले ने ही था, बट उस कमेंट को देखा बहुत सारे लोगों ने है। और फिर मैं, मुझे चाहकर, ना चाहते हुए भी कमेंट, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें तो वो कमेंट नहीं दिखा, आप ये कर रहे हो कर रहे हो, ना चाहते हुए मुझे फिर वो कमेंट हटाना पड़ा वहाँ से। तो ऐसा था, चलिए फिर करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। मैंने मेकओवर कर दिया है अपने सोफे वाले रूम का, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को वही देखने को मिलेगा।